या फोटो देखो तुम सारे, मेरे को लेने के करी है या फोटो सब की मैं बताने लग रही है, मतलब बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है तब पे, तुमने सारे ने वीडियो में भी देखी होगी। मैं सोनिया दून आपकी बेटी आपकी बहन, मैं आप सारे बड़े ना हाथ जोड़कर राम राम कर रहा हूँ। मेरी माता शक्ति ने जितनी भी खापे खास सरदारी मारी आगे पहुंची और किसान आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी नेतागण संगठन सारे जो यहाँ पहुंचे और जिनके सारे इलाकों से गांव आए, मेरे सारे बड़े चाचे ताऊ दादे माता शक्ति आप सारे हाथ जोड़कर धन्यवाद कि आपकी बेटी ने एक बार गया और आप सारे उन्हें पहुंच गए, आपका सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खास सरदारी का हाथ जोड़कर एक बार मैं माफी मांगना चाहूंगी जी, इपे बालक हूँ छोटी हूँ इपे मतलब नहीं, मेरा सारी चीज आपने मेरा आपने करनी है, तो आप देख लियो मेरे पे की मैं गलती हुई हो तो मैंने माफ भी कर लियो जी, आपकी बेटी हूँ। आज जो यह पंचायत बुलाई है इस पंचायत में बुलान खेतर कोई खुशी की बात नहीं, कोई इजी बात नहीं कि आप उन्हें बैठ के किसी बात की आप खुशी मनावा नहीं है, या जो सरकार है खट्टर की जो यहाँ भाजपा की सरकार है या सेंटर में भी बैठी है स्टेट में भी बैठी है, ये हमारे सफर का इम्तहान ले डाल रहे हैं, ये हमारी इज्जत का तो लड़ लौट कर लग रहे हैं, ये रोज रोज हमारा इम्तहान ले रहे हैं हर तरीके से। पहला इम्तहान इनने हमारा जाट आंदोलन में लिया था, जब हमारे भागों में रोज रोज केस लाया करते, दूसरा इम्तहान इनने हमारा किसान आंदोलन में लिया, जब हमारे नौजवानों की हमारे साथियों की रोज घरों लाश पहुंचा करती और यह सरकार जागी नहीं इसने हमारी सुध बुध कभी नहीं ली, दूसरा इम्तहान अपना चल रहा था, मां बच रहे थे ताली दी बेटी लुगाई बच रही थी मामी कौन छोड़े, मारे गले भी ये रोज खिलवाड़ करने लग रहे हैं, आप सारे देखने लग रहे हो आज ये पंचायत जाए तो बुलाई है, ये तो हर तरिया पे मार लग गए, हर तरिया पे अपना गले गलत करने लग गए, कड़े लग हटा कड़े लग सबर करांगे, लड़ना तो पड़ेगा लड़ांगे और जीता भी गे, क्योंकि आप एक लड़ाकू कौम हा आप एक किसान मजदूर की कौम हा, आपने सदा लड़ाई लड़ी है और आम छोरे की तारे चढ़ ली हाँ, आम पक्ष को नहीं हटा आम तो लड़ेंगे, तारी बहन है बेटी है यो पिताजी ने बताया जो कमे थे एक एक बात में इनका दुख है इनका भीतर में दर्द है, जो ये और करण लग रही है सरकार जो उसने आज केस होए ने
लेकिन इस आदमी ने मेरा जवाब नहीं लिया, उल्टा मेरा गला जो करवाई है उसी उसी आप पहचान बना लग रही करते, मेरा शाल उतरवाया है, मेरी गर्दन में डाल कर मैं मेरा गला खींचा खानी करी है, और जी मेरी नैट में मेरा गैंट मार के ना फांसी तक लाने की कोशिश करी है, ऐसा कुछ नहीं मैं लेकर जा रही थी कि मैं कोई ऐसा हथियार लेकर जा रही हूँ या मैं कोई काली शाही लेकर जा रही हूँ, मैं तिरंगा का कदे भी अपमान नहीं कर सकती और ना मेरे पास ऐसी चीज थी, तिरंगा का अपमान वो कर रहा था, मैं नहीं कर रही थी, उसने मेरा गला ये सब कुछ करवाया। आज एक महीने का ऊपर हो गया, मैंने जी 29 जनवरी ने FIR दी थी कुरुक्षेत्र में SP लो है, आज तक मेरी FIR रजिस्टर नहीं हुई है जी, आज तक मैंने न्याय नहीं मिला है, ना था रिजवान बेटी में न्याय मिला है, जिसकी FIR चंडीगढ़ में उस छोरी ने मीडिया के सामने आकर बताया था कि जुर्मी आदमी जो ये संदीप सिंह खेल मंत्री है किस तरह आप बंद कमरे में उसका गला छेड़खानी करी है, उसके कपड़े फाड़े हैं, और जी ये आदमी कर सकता है, जब मेरा गला 4-2 हजार आदमियों के बीच में ऐसा प्रवास का है, कई आदमी बंद कमरे में क्या नहीं किया होगा इसने उस लड़की के साथ, तालिबान गले के नहीं कराया होगा, सोचने वाली बात है जी, मैं ज्यादा बात नहीं खींचना चाहती क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, लेकिन मेरा दुख बहुत है, मैं बहुत कुछ चाहते बताना चाहूं, क्योंकि यह जो सरकार है यो जो प्रशासन है यो पूरी तरह बिक चुका है, इस खट्टर का पूरी तरह नतमस्तक है, हमने आखिरी में मारे समाज का जाना पड़ा, तारे शामी आना पड़ा, आग अपनी गुहार लानी पड़ी, क्योंकि टीम या लड़ाई मारी समाज लड़ सके है और कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि रोज रोज हम की आम है, रोड नंबर तक खुरच के ले जाओगे खत्म हो जाएगी, कैसा में भीतर कर देंगे, ठीक है मित्र साहब करो आप हमने कैसा में भीतर करो आप हमने रोड नंबर तक खुरच के ले जाने की तैयारी, मारे घर के इतनी हिम्मत रखा है, हमारे माँ बाप ताऊ चाचे इतनी हिम्मत रखा, हमने खुरच लेंगे, लेकिन एक सोनिया ने खुरचवाओगे तो 100 पैदा होगी या लड़ाई लड़नी होगी, मेरा जो होगा ठीक है कोई बात नहीं, एक आधे की कुर्बानी दे दियो, लेकिन आप गांव राम समाज बैठे हो या लड़ाई का पक्ष ना दियो, क्योंकि तो राज चलती भी हम सुरक्षित तो नहीं, माने तो राज चलती है कि चुन्नी बाबा पूछा लग गए आप कड़ा जाओ सोपे में कड़ा तो पड़ांगे, आपने ऐसा माड़ा कदम नहीं कर रखा, आपने तारी इज्जत की नहीं चुकाई, तारी पगड़ी कड़े नहीं चुकाई, आप तो सम्मान और इज्जत का उस पगड़ी ने ऊपर करण लग रहे हैं, खेल मत के मैदान में आप ऊपर करण लग रहे, सेना में हम जान लग रहे, डॉक्टर आप बना सैनिक आप सबकी मेहनत करण लग रहे हैं जी, 5-7 साल तक जो हमने जाति दी है बात है, हम इस आजादी का हमने खड़ी है भी किसी भी लड़की ने नजायज फायदा नहीं उठाया, लेकिन जो समाज में ये संदीप सिंह जैसे गंदे लोग ऐसे लोग हैं इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गलत ये कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, और यह लड़ाई हम मारी खापा के माध्यम से मारे समाज के माध्यम से मारी पंचायत के माध्यम से लड़ना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आप लोग मारा शामिया का समर्थन नहीं करोगे, जब तक यह सरकार मान नहीं सकती हर तरीके से कोई भी लड़ाई बाद में लड़ जाएंगे, खेती की बाद में लड़ जाएंगे, हमारी नौकरी की बात में लड़ जाएंगे, मारी इज्जत का कुकर करवाना जी, मैं इसमें कुकर पाछा लड़ा, तो आप देख लियो जी आपकी अदालत में मैं नहीं हूँ मेरा केस कर दिया, तारी अदालत का बड़ी गांव राम समाज खापा का बड़ी कोई अदालत नहीं है मेरी नजर में, माँ बाप का के आपका के केस जरा आप जोड़ के मारा न्याय कर दियो, ये तो हर तरीके का मारण लग रहे हैं जी, ठीक देख लिया बेचारे सरपंच मेरे गांव में क्या कर रहे हैं, पंच और सरपंच मुखिया जो भी कोई किसी गांव का हुआ है वो उस गांव का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुआ है, आम तो आप भी रहते हैं आपके जाना जी खट्टर रोड ने आपके जाना जी मंत्री MLA ने माम तो हमारे सरपंच ने जाना, हाँ रात में 2 बजे भी हम तो सरपंच का जाकर दरवाजा खटखटावा, जैसे उनका लटमर वैस क्या है तो ये छोटे किसने थे ये इनका लट कौन माफ लागे ये अपने लट माफ लागे हैं, क्योंकि ये तो गांव राम समाज में खत्म करना चाहे हैं, ना समाज रहेगा ना इनकी अच्छी मोटी कहने का कोई रहेगा, तो ये तो समाज ने धक्का देने लग रहे हैं समाज ने खत्म करने लग रहे हैं, लेकिन खट्टर साहब एक कान खोल कर बात सुन लो,
खत्म कर दूंगी। यो जो संदीप सिंह है ये तो दुशासन है, अतलियो खट्टर है, यो दुर्योधन है। आपने मेरा होगा आपने न्याय की क्रांतिकारी करती है, और मेरा होगा भी जो महाभारत होया था उसमें भी एक दुशासन था, अरे खट्टर जी सा दुर्योधन था जिसने द्रौपदी की इज्जत जब दुशासन ने तो द्रौपदी की चीरहरण करने लग गया था तो दुर्योधन उसका सर मत्थर के रखा। यू खट्टर भी और दुर्योधन है, लेकिन इनकार तो ना दुर्योधन का रहा हुआ है ना दुशासन का रहा, तेरा भी कोई रहने देते खट्टर साहब, इंतजार कर लो अब करांगे तेरा भी खात्मा, तेरा भी इलाज करांगे। और मैं चाहे विपक्ष हो सत्ता हो, ये सारे जितने भी एमएलए हैं मंत्री हैं जितने पक्ष विपक्ष में हैं सारे में एक बात पूछूं, भाइयों हमने चुने थे तभी मामने भेजे थे, तुम मामने संसद में भेजे थे, मामने विधानसभा में भेजे थे, आज मारी इज्जत खातर काम कड़े हो भी कड़े हैं ये सारे एमएलए एमपी मंत्री भी मारी बात खातर कह खातर शामिल नहीं आए, ठीक है तारा इलाज भी करांगे, वोट तो सामने वाले बीच में लेना आना है, उस दिन हम भी तंगे देखेंगे, आज चुप हम चुप हो हम भी चुप रहेंगे, हम भी ना वोट देंगे केंद्र को ना लेंगे, क्योंकि जब दी बेटी तारे भी अगर मैं आप उसकी इज्जत खतर नहीं बोल पाए तो आप किसी मुद्दे पे हमारे लिए नहीं बोल सकते। मेरे पास ये चिट्ठी ये पत्रकार बंधुओं की तरफ से आई है, जो ये चार पत्रकारों को बंधक बनाकर नरवाना के प्रताड़ित किया गया है उसके लिए जो पत्रकार उत्थान मंच है आपकी, उसमें हम पूरा सहयोग देते हैं, भाई लड़ाई लड़ो बता दियो, अच्छी हद की बात है जब पत्रकार ने बंधक बना लेके हमारे पर यहाँ पर तो टेमे की तरह है। और जी मेरी खास सरदारी किसान जो जितने भी संगठन है और जितने भी अध्यक्ष मंडल है जो तय करेगा आपने मंजूर होगा आप उसने लागू करवाने का जो भी पूरा मामला बताओगे उस तरीके का आप उसने लागू करवाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।